आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने जवाब की शुरुआत भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देकर की। राहुल गांधी के दो भारत वाले बयान को पीएम मोदी ने देश का अपमान बताया। सदन में 100 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा कि विभाजनकारी नीति कांग्रेस के डीएनए में है। अंग्रेज चले गए लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। विपक्षी सांसदों की रोक टोक के बीच पीएम मोदी ने कई बार देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस की कमजोरियां गिनाते हुए कहा कि लगातार हार के बाद भी उनका अहंकार नहीं जाता। जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। खैर, अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। पीएम मोदी ने कहा कि जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो इतिहास में खो जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के आखिरी 5 साल में महंगाई डबल हुई। उन्होंने कहा कि 40 साल में गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन गरीबों ने कांग्रेस को हटा दिया। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब में कांग्रेस के जिक्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। शशि थरूर ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है। ये भाजपा की वजह से हिंदू मुसलमान जो भाई भाई थे, तो अभी उनको मजहब के बेसिस में अलग करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में विपक्ष की वजह से कोरोना महामारी फैली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि लॉकडाउन लगाकर पीएम मोदी ने हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली थी। कोई शर्म नहीं है आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद की, क्योंकि मजदूरों की। अरे, आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लोगों ने देखा कि कांग्रेस से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। सबने मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन स्ट्रीम में ला करके विकास के पथ पर ले जा सकती है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ओवैसी के रूट की जानकारी नहीं थी। साथ ही शाह ने ओवैसी से सुरक्षा लेने की गुजारिश भी की। सरकार ने ओवैसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया था। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से फिर इनकार कर दिया। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे, तो ओवैसी सेफ रहेगा। 3 फरवरी को असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हापुड़ टोल प्लाजा पर उस वक्त हमला हुआ जब वो मेरठ से जनसभा कर लौट रहे थे। ओवैसी ने दावा किया है कि गाड़ी पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। घटना रविवार की है जब राहुल गांधी हलवारा एयरपोर्ट से होटल जा रहे थे, जहां लुधियाना में उन्हें सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना था। रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत के लिए खड़े थे। इसी बीच एक शख्स ने कांग्रेस का झंडा राहुल गांधी की तरफ फेंक दिया। पुलिस ने झंडा फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। बीजेपी ने इस घटना की जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री जी का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, तब इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको समर्थन किया था, इसलिए काउंट किया है। उधर के सरकार ठीक तरह से इंक्वायरी करे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे पर बेवजह राजनीति कर रही है। पंजाब के अंदर राहुल गांधी जी की बात के लिए मुद्दा बनाया है बीजेपी ने, ये बीजेपी का जो मुद्दा है उनको ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सुरक्षा चूक की ये बड़ी घटना उस वक्त हुई जब राहुल की कार में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी पिछली सीट पर बैठे थे। कार को उस वक्त पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ चला रहे थे। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी बिजनौर में होने वाली पहली चुनावी रैली में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि पीएम ने इस रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। ये पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके
करीबियों में ठहरा हुआ था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि योगी सरकार के दौरान अपराधियों के हौसले पस्त रहे, इसीलिए ये अपराधी अब बदला लेने के मूड में है। अपराधी किस तरह खुद भागकर जेल गए और मांग करते रहे हमें बंद कर दो। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित करते हुए अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। माफिया ये अपराधी, पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के बुलावे पर लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल रैली भी करेंगी। मैं चाहती हूं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में जीते। अखिलेश जी ने जो लड़ने के लिए जो लड़ाई कर रहा है उसका साथ में सबको साथ देने का आज जरूरत है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट करके लिखा कि बंगाल में मिलकर हराया था, अब यूपी में हराएंगे। दीदी से अपना वादा है, हम फिर जीत कर आएंगे। ममता के लखनऊ आने पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। जेवर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पत्रकारों से सुनने को मिला है कि कुछ लोग बंगाल से आ रहे अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने पूछा, हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं। टीएन प्रतापन ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि छात्रों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक्शन लें। हिजाब इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर एंड रिलीजियन, इट इज लाइक मंगलसूत्र फॉर हिंदूज, क्रूसिफिक्स फॉर क्रिश्चियंस, टर्बन फॉर सिख्स। कर्नाटक के उडुपी में छात्रों के माता पिता भी उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। वो स्कूलों के अलावा अलग अलग जगहों पर तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन सब के बीच शनिवार को हथियार लेकर आए दो प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पहले उन लोगों को अलग अलग तरीके से परेशान करते थे। अभी मुसलमान लड़कियों के एक हिजाब के ऊपर एक टारगेट करके ये लोग ऐसा कर रहे। हत्या और यौन शोषण का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आ गया है। रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम सीधे अपने गुरुग्राम आश्रम पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के चलते किसी को भी आश्रम में जाने की अनुमति नहीं मिली। खबर है कि अगले 21 दिन वो अपने परिवार के साथ रहेगा। हालांकि पंजाब चुनाव से ठीक पहले फरलो यानी खास तरह की छुट्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भी बड़ी संख्या में डेरा अनुयायी हैं। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.